विशाल भाई का जो एविक्शन हुआ वो बहुत गलत हुआ है, फिर भी भाई कोई बात नहीं। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंदर फिनाले से पहले दो शॉकिंग एविक्शन हुए। सभी को लग रहा था कि सिर्फ एक एविक्शन होगा, शिवानी कुमारी का नाम पहले आता है और उसके बाद जब विशाल पांडे घर से एविक्ट हो जाते हैं तो घर वाले ही नहीं बल्कि घर के बाहर उनके फैंस भी काफी हैरान रह जाते हैं। विशाल पांडे जो शुरुआत से ही काफी लाइमलाइट में रहे, गेम अच्छे से खेला, फिनाले के इतना करीब आने के बाद घर से एविक्ट हो गए। घर के अंदर उन्होंने सभी को इमोशनल किया, लेकिन इस बीच अब दीपिका आर्या यानी कि तहलका भाई की वाइफ का रिएक्शन सामने आया है। दीपिका आर्या जो बिग बॉस के घर में एंट्री देने के लिए काफ़ी जद्दोजहद अक्सर करती नजर आती हैं, बिग बॉस से काफ़ी सारे रिक्वेस्ट करती हैं, तो वहीं बिग बॉस को अच्छे से फॉलो भी करती हैं। बिग बॉस के घर में जो भी बड़ी कोई बात होती है उस पर उनका रिएक्शन ज़रूर आता है। ऐसे में दीपिका आर्या का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में विशाल पांडे का सपोर्ट करते हुए दीपिका कहती हैं कि ये कुछ ऐसा ही मंजर है जो हमारे साथ भी हुआ था। दीपिका इस वीडियो में आगे कहती हैं, विशाल ने इस पूरे गेम के दौरान अपनी दोस्ती और अपने संस्कारों को नहीं भूला। यहाँ वो उनके पापा की भी तारीफ करती हैं, यहाँ वो उनके बारे में हर वो बात कहती हैं जो भी उस पूरे घर की जर्नी में उन्होंने विशाल के बारे में फील की है। वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। लोगों का कहना है कि विशाल को एक बार फिर से घर में आना चाहिए। आपको बता दें कि विशाल जब घर से एविक्ट हो रहे थे तो यहाँ पर लवकेश कटारिया और सना मकबूल काफ़ी इमोशनल नजर आए थे और यही बात दीपिका आर्या ने भी अपने इस वीडियो में कही है। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में भी लिखा, गॉड ब्लेस यू ब्रो। और वहीं विशाल ने भी इस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए हार्ट इमोटिकॉन शेयर किया। इसके अलावा आपको बता दें, जब से एविक्शन हुआ है विशाल पांडे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोग उन्हें घर में वापस देखना चाहते हैं बट अब ऐसा नहीं हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कुछ है कहना, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।